चलिए स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू तो टिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है साइन थीटा ऑफ वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑफ वन प्लस कॉट ठीटा इक्वल्स टू कॉसिक थीटा प्लस सेट ठीटा होता है ठीक है तो ये हमने प्रूव करना है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स यहां पर है साइन थीटा, फिर है ब्रैकेट फिर है वन फिर है प्लस फिर है टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है फिर ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस फिर थीटा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट फिर है वन फिर है प्लस फिर है थीटा आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कॉट थीटा होता है थीटा अपॉन साइन थीटा चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर है साइन थीटा फिर है ब्रैकेट अब हम ब्रैकेट के भीतर ना डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे ठीक है वन के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे वन वन एंड कॉस थीटा का एलसीएम आएगा कॉस थीटा वन से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा से ऊपर वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा थीटा फिर प्लस से तो लगाएंगे प्लस फिर जब हम इस थीटा से थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा वन वन से ऊपर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस फिर है कॉस्ट थीटा अब हम इस ब्रैकेट के भीतर भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे ठीक है वन के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे वन वन एंड साइन थीटा का एलसीएम आएगा साइन थीटा ठीक है वन से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन थीटा थीटा से ऊपर वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस फिर जब हम इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा वन वन से ऊपर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा थीटा ठीक है चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब देखिए यहां पर साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा ठीक है अब देखिए इस ब्रैकेट के भीतर यहां पर न्यूमरेटर में है कॉस्टिटा प्लस साइन थीटा हम कॉस्टिटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस थीटा तो लिख ही सकते हैं ना क्योंकि जो एडिशन होता है वो कॉम्पिटेटिव होता है इसलिए हम कॉस्टिटा प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस्टिटा अपॉन में कॉस्टिटा तो है ही है ना फिर प्लस तो लगाएंगे प्लस फिर है कॉस्टिटा फिर ब्रैकेट के भीतर यहां पर है साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन में साइन थीटा चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म में भी एंड इस टर्म में भी हमको थीटा प्लस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है थीटा प्लस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम इन दोनों टर्म्स में से थीटा प्लस थीटा को थीटा प्लस थीटा को बाहर कॉमन लेंगे ठीक है तो हमने थीटा प्लस थीटा को बाहर कॉमन ले लिया अब देखिए यहां पर थीटा प्लस थीटा तो बाहर चला गया तो यहां पर रह जाएगा न्यूमिरेटर में थीटा एंड डिनोमिनेटर में रह जाएगा थीटा फिर प्लस से तो लगाएंगे प्लस अब देखिए यहां पर यहां से साइन थीटा प्लस थीटा तो बाहर कॉमन चला गया तो न्यूमिनेटर में रह जाएगा कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में रह जाएगा साइन थीटा चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन थीटा प्लस थीटा अब हम इस ब्रैकेट के भीतर डिनोमिनेटर्स का एल्सियम लेकर के ऐड करेंगे ठीक है कॉस्टिटा इन थीटा का एल्सियम आएगा कॉस्टिटा इंटू थीटा करेक्ट कॉस्टिटा से जब कॉस्टिटा इंटू थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस्टिटा से कॉस्टिटा कैंसिल आउट हो जाएगा रह जाएगा थीटा साइंथीटा थीटा से ऊपर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइंस के ठीटा बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस फिर जब हम थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा रह जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा से ऊपर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन थीटा प्लस थीटा ठीक है अब देखिए यहां पर यहां पर ब्रैकेट के भीतर टर में हमें दिखाई दे रहा है साइंस के ठीटा प्लस एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है होता है तो इसकी जगह पर आएगा वन तो न्यूमरेटर में आएगा वन एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस्टिटा इंटू साइन ठीटा करेक्ट अब हम साइन ठीटा प्लस कॉस्टिटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंथीटा प्लस कॉस्टिटा से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो साइन थीटा प्लस कॉस्टिटा इंटू वन हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस थीटा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में थीटा इंटू थीटा तो है ही है ना चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन कॉस्टिटा इंटू साइन थीटा इसे हम थीटा अपॉन में कॉस्टिटाइन साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन में कॉस्टिटाइन साइन थीटा लिख सकते हैं ना अब देखिए यहां पर यहां पर थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है जब हम साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर आएगा वन जब हम थीटा से थीटा को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा वन ठीक है तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा वन अपॉन थीटा, ठीक है फिर यहां पर है प्लस फिर यहां पर हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा अब देखिए वन अपॉन थीटा होता है थीटा फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस वन अपॉन साइन थीटा होता है थीटा ठीक है अब हम सेक्टीटा प्लस कौशिक थीटा को लिख सकते हैं ऑर्डर चेंज करके कौशिक थीटा प्लस थीटा ठीक है तो जब प्लस में इस प्रकार से दो टर्म्स हो तो हम उनका ऑर्डर चेंज करके इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हम सेक् थीटा प्लस कौशिक थीटा को लिख सकते हैं कौशिक थीटा प्लस थीटा ठीक है तो यहां पर हमारे पास में आ गया कौशिक थीटा प्लस थीटा एंड जिस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड भी है कौशिक थीटा प्लस थीटा तो यहां पर हमारे पास में एक्चुअल में राइट हैंड साइड आ गया ना तो देखिए स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिया था जिस इक्वेशन को हमने प्रूव करना था उसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हमने लिया उसे सॉल्व किया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और इसलिए हमारा जो ये इक्वेशन है ये प्रूव्ड होता है ठीक है जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो इक्वेशन प्रूव्ड होता है तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये प्रूव्ड हो गया हैंस प्रूफ्ड